चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम आज से शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुका है। फिलहाल इस समय हमारे साथ हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी सब जिस तरह से हरियाणा ने पैसा लगाया, पंजाब ने पैसा लगाया और चंडीगढ़ ने, लेकिन फिर भी जो हक रहा है हक चंडीगढ़ का ही दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। कंट्रोवर्सी नहीं है ये, बेसिकली तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट ही था, ये उसकी एक्सटेंशन हुई है और ये कोई नया नहीं बना है, उसकी एक्सटेंशन हुई है, इसलिए चंडीगढ़ तो इसके नाम के साथ रहेगा ही। और आज प्रधानमंत्री जी ने भगत सिंह जी के जन्मदिन पर हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और सारे देश के लोगों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है कि इस एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया। ये हमेशा लोगों को प्रेरित करता रहेगा देश पर मर मिटने के लिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मन की बात में चंडीगढ़ इस एयरपोर्ट को उसका नाम देने की घोषणा कर दी थी शहीद भगत सिंह का, तो अब आज से शहीद भगत सिंह इसका नाम भी हो गया है और वहीं पर हरियाणा में जो लोग इस एयरपोर्ट पर आएंगे तो उसके लिए कोई कनेक्टिंग जो व्हीकल्स हैं उनके लिए भी कोई प्रस्तावित तैयार किया गया है? नहीं है, कनेक्टिंग सारा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सारा हरियाणा इधर से आ सकता है और चंडीगढ़ से भी कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं। तो यदि अब समझा जाए कि सिर्फ यूटी का अधिकार हो जाएगा, ना ही पंजाब का ना ही हरियाणा का? नहीं नहीं, इसमें किसी का अधिकार नहीं है, ये सारों का मिलजुल के है और इसके ऊपर सारों के किसी को कोई विशेष दर्जा नहीं है इसका। आज शहीद भगत सिंह की जयंती है तो जयंती के उपलक्ष्य में आज पंजाबियों को एक बड़ा तोहफा दिया गया है या सभी लोगों को? नहीं, सारे देश को तोहफा दिया गया है, क्योंकि शहीद भगत सिंह ने जो कुर्बानी दी, जो हंसते हंसते बलिदान दिया, वो प्रेरित करता है लोगों को देश के लिए मर मिटने के लिए प्रेरित करता है। ये थे अनिल बेज जी, तो बता रहे थे कि आज लोगों को प्रेरित कर रहा है शहीद भगत सिंह का बलिदान और इसी लक्ष्य में ही आज चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 मोहाली।